विजन बोर्ड पर जगह नहीं है। माइकल और कैंडिस के पास सब कुछ है। हनी, हमें अभी के अभी एक बच्चा चाहिए। हे, एक आइडिया है। बच्चे के साथ जिंदगी बिल्कुल अलग होगी और तुम्हारी विश पूरी करने के लिए चलो ऑर्फनेज चले। स्टेला यहाँ नहीं आई है। वो लंबे समय से अपने पेरेंट्स का इंतजार कर रही है। माइकल, ये प्यारी है, है ना? जैसा तुम चाहो हनी। ठीक है, हम स्टेला को ले जा रहे हैं। ये अब स्टेला के पास पेरेंट्स है और वो बहुत अमीर है। स्टेला, हम यहाँ रहेंगे। वाह, ये पूरा स्काई स्क्रैपर है। ये स्टेला की सोच से भी ज्यादा बड़ा है। चलो नया घर देखें। ये जगह खूबसूरत है। इसे देखते ही पता लग रहा है कि यहाँ अमीर वीआईपी लोग रहते होंगे। मेरा रूम कहाँ है? तुम क्लाउड्स के नीचे बहुत ऊपर वाले फ्लोर पर रहोगी। स्टेला, हमें एलिवेटर की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल नहीं, एलिवेटर बिल्कुल अच्छी नहीं होती। मैं सीढ़ियों से जाऊंगी। ठीक है, चलो हनी। मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं और प्यारे भी। मॉम और डैड ने एलिवेटर से जाने का तय किया, लेकिन स्टेला चैंपियन रनर है। लेकिन स्काई स्क्रैपर्स में बहुत सारे फ्लोर्स होते हैं, ये आसान नहीं है। मॉम और डैड पहुँच गए, वो एलिवेटर का मुकाबला नहीं कर पाई। स्टेला को थोड़ा जल्दी जाना होगा। सही रूम करीब ही है। स्टेला को ऐसा लग रहा है मॉम और डैड की टी पार्टी चल रही है। माइकल, हमारी स्टेला कहाँ है? कैंडिस, स्टेला जल्द ही आती होगी। अब मुझ में ताकत नहीं है। अभी भी मैं नहीं पहुँचने वाली। वो कहाँ छुपे हैं? मॉम और डैड अलग तरह का स्पोर्ट करते हैं। ये बुरी बात है, मुझे अपने साथ मैप लाना चाहिए था। कैंडिस, स्टेला आ गई? नहीं, वो पक्का अभी भी रास्ते में होगी। ये स्काई स्क्रैपर कभी खत्म भी होगा? मुझे हिम्मत करके आगे बढ़ना होगा। सोने का समय हो गया है और हमारी बेटी अभी तक नहीं आई। तुम्हें सब्र रखना होगा। पर स्टेला सुबह तक पहुंच जाएगी। उसे सबसे ऊपर जाना है। बेचारी। माइकल, हमें इसे कमरे में ले जाना होगा। अब ठीक है। अगली बार से सिर्फ एलिवेटर। कोई नहीं चलेगा। अमीर लोगों का बाथरूम बिल्कुल म्यूजियम की तरह होता है। यहाँ हर चीज चमक रही है। अब स्टेला के पास अपना क्राउन भी है। ये अच्छा लग रहा है। ये क्या है? रिमोट कंट्रोल की तरह लग रहा है। लेकिन ये बाथरूम में क्यों है? ओह, ये इसीलिए है। मुझे टूथब्रश नहीं चाहिए। इसे बंद करो। मुझे अपना चेहरा धो लेना चाहिए। यहाँ फॉसेट कैसे चलाते हैं? हे भगवान, चलो आज ये रहने देते हैं। लेकिन गर्म पानी से नहाने का आइडिया अच्छा है। यहाँ बहुत सारे बबल्स है। इसे बंद करो। क्या हुआ हनी? मॉम, ये अजीब बबल्स है। हम ये ठीक कर देंगे हनी। और तुम थोड़ी गंदी भी हो गई हो। मॉम स्टेला को रिमोट कंट्रोल इस्तेमाल करना सिखाएगी। शुक्रिया मॉमी। अमीर लोग सिर्फ महंगे रेस्टोरेंट में जाते हैं। शानदार, ड्रिंक सर्व कर दी है। उप्स, मेरी गलती है। बिल्कुल तमीज नहीं है। स्टेला, ये लेमोनेड नहीं है, ये लेमन वाटर तुम्हारे हाथों के लिए है। तुम्हें अपने हाथों को पानी में डुबोना है और वो साफ हो जाएंगे। ये मैनर्स वाला लेसन खत्म हुआ। डिनर आ गया। इसे कैसे खाते हैं? मुझे चॉपस्टिक्स इस्तेमाल करना नहीं आता। मुझे अपने हाथों से खाना होगा। सही कहा, इस तरह से खाना बहुत आसान है। कभी कभी तुम तमीज भूल जाते हो और फिर दूसरे तुम पर हंसते हैं। लेकिन डैडी ये संभाल लेंगे। तुम्हें पता है क्या करना है दोस्त? हाँ सर। माफ करना लेडीज, अब हम अपने रेस्टोरेंट में ये सब नहीं रखते। तमीज से खाना पुरानी बात हो गई है। अब आगे बढ़ते हैं। अब स्टेला के पास बहुत सारे टॉयज हैं। अब उसके पास और भी टॉयज आ जाएंगे। उसके पेरेंट्स के पास उसके लिए तोहफा है। स्टेला, ये रोबोट है भी है तुम्हारा नया टॉय। बटन दबाओ। वाह, मैकेनिकल है भी चल सकती है। अब हमें जाना होगा स्टेला, मजे करना। चलो देखें अभी क्या कर सकती है। हम गेम खेलें। कितनी अच्छी रोबोट है, लेकिन मशीन्स को खेलना नहीं आता। ठीक है, स्नैक कैसा रहेगा? समझ गई, तुम असली खाना नहीं खाती। मैं खुद ही खा लूंगी। उप्स, ये गिर गया। अब ये सारी सफाई एबी ही करेगी। किसी बच्चे को इतनी मेहनत नहीं करनी चाहिए। रोबोट हेल्पर उसका होमवर्क भी करेगी। एबी कोई भी इक्वेशन सॉल्व कर सकती है।
और अगर जरूरी है तो बुक पढ़ लो, लेकिन ये बोरिंग है। अब स्टेला के पास करने के लिए कुछ नहीं बचा, मुझे रोबोट का ध्यान भटकाना होगा। अपने आप को बचाओ एबी, लेकिन मशीन को पानी अच्छा नहीं लगता। स्टेला इस बारे में पूरी तरीके से भूल गई थी। ओ नहीं, एबी खराब हो गई। हम खराब टॉय का क्या करेंगे? जाहिर है बेड के नीचे छुपाएंगे। आज माइकल के पास बहुत काम है, उसे परेशान नहीं करना चाहिए, लेकिन बच्ची को भी अपने डैडी की जरूरत है। देखो मैंने क्या बनाया है। शुक्रिया स्टेला, एक शीट इस समय बहुत काम आएगी। उसे अपने आसपास कोई नहीं दिखा। स्टेला वॉक के लिए जाओ, ठीक है? डैडी को परेशान मत करो, शायद मॉमी खेलना चाहती हो। मॉम देखो मेरे पास क्या है। ओ हाँ, कितना सुंदर है। मॉमी के पास भी समय नहीं है। मॉम ये मेरा टेडी बेयर है। ये बुरा हुआ, तुम अमीर पेरेंट्स को नहीं समझ सकते। स्टेला तुम कहाँ जा रही हो? माइकल लगता है हमने उसे नाराज कर दिया। बेचारी, हमें उसकी पसंद का पता लगाना चाहिए। मेरे पास एक आइडिया है, चलो पेंट करें, कैनवस पर नहीं लेकिन एक बड़े से नोट पर। इसमें ज्यादा मजा आएगा। और डैडी के पास एक और सरप्राइज है, ये तुम्हारे लिए है स्टेला। तुम्हें ये पसंद आया? बिल्कुल, ये सबसे अच्छा टेडी बियर है। अमीर पेरेंट्स के साथ शॉपिंग करने में मजा आता है। तुम्हें जो चाहिए ले लो स्टेला। ये नहीं, अमीर लोग ये नहीं खाते, हम बस महंगी चीजें खाते हैं। मॉम और डैड को महंगी चीजों के बारे में बहुत कुछ पता है। दूसरी तरफ स्टेला भी सीख रही है, ये अमीर लोगों के लिए होती है या नहीं। ऊपर शेल्फ पर सबसे अच्छी चीज पड़ी है, कितनी प्यारी बेबी डॉल है। स्टेला को भी वो चाहिए। मॉम मुझे वो टॉय चाहिए प्लीज। ये अच्छा नहीं दिख रहा, पर क्योंकि ये तुम्हें चाहिए। और अब सब कैश रजिस्टर के पास चलो, लेकिन इस डॉल में कुछ गड़बड़ है। हनी कुछ करो, ये गलत है। हमारी बेटी गरीब नहीं है, जल्दी से घर जाओ ताकि ये कोई ना देखे। गुड नाइट स्टेला। मॉमी तुम्हें प्यार करती है, तुम्हें अच्छे सपने आए। इतने अमीर बेड पर बहुत मुश्किल से नींद आती है। पिलो बहुत चुप रहा है और गोल्डन ब्लैंकेट भी अच्छा नहीं है। क्या मेरे पेरेंट्स मेरी मदद कर सकते हैं? मॉम क्या हुआ स्टेला? मैं सो नहीं पा रही, मेरा बेड बहुत अनकंफर्टेबल है। बुरा हुआ ये गोल्ड बहुत चुभ रहा है। अगर तुम उसके नीचे पैसों का मैट रखो तो तुम्हें ये अच्छा लगेगा। नहीं ये काम नहीं आएगा, डैडी को पता है क्या करना है। स्टेला को सब कुछ अच्छा मिलना चाहिए। अब ठीक है, कोई गोल्ड नहीं, सिर्फ पॉलिथिलीन। स्टेला के लिए कुछ भी। अमीर स्कूल में सब बहुत गुस्से वाले होते हैं और क्लासमेट्स के पास बढ़िया फोन होते हैं। हे नई लड़की, लेकिन स्टेला के पास पुराना फोन है। उप्स, कितनी शर्म की बात है, अब फोन को नहीं बचाया जा सकता। हे भगवान हम खतरे में हैं। इससे दुनिया खत्म हो गई तो भागो। तुम कहाँ जा रही हो लड़कियों? लेकिन अमीर स्कूल में पुरानी चीजें लाना मना होता है, ये बहुत बेकार है। इस लड़की ने सबको खतरे में डाल दिया। गरीब लोगों को यहाँ से निकालो, टास्क फोर्स इस काम में माहिर है। मिस मेबल हमें माफ कर दो। अभी नहीं माइकल, आज का दिन बहुत अच्छा होगा। आज स्टेला का बर्थडे है और वो गिफ्ट लेने के लिए तैयार है। मॉमी और डैडी कहाँ गए? लगता है वो फिर से बिजी हैं। वो उसके लिए गिफ्ट छोड़ गए हैं। हैप्पी बर्थडे मिस स्टेला, तुम्हारा दिन अच्छा बीते। पेरेंट्स अच्छे हैं, वो बहुत काम करते हैं। चलो देखे बॉक्स में क्या है। वाह नया टैबलेट, और वो रहे पेरेंट्स। हेलो हैप्पी बर्थडे स्टेला, हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। आप मेरी बर्थडे पार्टी में आओगे? बिल्कुल, लेकिन हम एक बिजनेस ट्रिप पर हैं। समझ गई, आपके लिए अपनी बच्ची से ज्यादा जरूरी काम है। तो फिर वो स्टेला को ऑर्फनेज से क्यों लाए? आज उसे अकेले पार्टी करनी होगी। हनी हम आ गए, मुबारक हो। मॉम और डैड वापस आ गए,
स्टेला उनके लिए दुनिया में सबसे ज्यादा जरूरी है। ये सबसे अच्छा बर्थडे है।